ये वही लाल किला है जहां पहली बार 15 अगस्त 1947 को आजादी का झंडा लहराया गया था। ये वही लाल किला है जहां हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री देशवासियों को संबोधित करते हैं। लेकिन अब इस ऐतिहासिक धरोहर की रख रखाव के लिए मोदी सरकार ने निजी कंपनी डालमिया ग्रुप को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में कांग्रेस लगातार इस बात का विरोध कर रही है। आज दिल्ली के लाल किला के बाहर अजय माकन की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अगर आप लाल किले से लगाव रखते हैं तो तैयार हो जाइए इसको देखने के लिए अपनी जेब से मोटी रकम खर्च करने को, क्योंकि मोदी सरकार ने इसके रख रखाव की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी डालमिया लिमिटेड ग्रुप को सौंपी है। सरकार के इस कदम के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। इसकी एक झलक आज लाल किले के बाहर कांग्रेस के धरने प्रदर्शन में देखने को मिली। अरे भारत के प्रतीक है, उसको मोदी सरकार ने अपने कॉर्पोरेट सेंटर सिर्फ सालाना 5 करोड़ रुपए में उसकी देखभाल करने के लिए दिया है। आज 25 करोड़ रुपए में दे दिया जाता है, 10 रुपए का टिकट आज की डेट के अंदर है, कल कोई 250 रुपए का टिकट होगा। वो उद्योगपति अपने आप को और उद्योगपति बनाने के लिए यहाँ से एक धंधा चालू करेगा। ये सरकार का दिवालियापन है और हिंदुस्तान की अजीम इमारत जहाँ पे 1947 को आजादी का परचम लहराया गया था उसको इस तरीके से देना शर्मनाक बात है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन के साथ हारून यूसुफ, शौर्मिष्ठा मुखर्जी समेत कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह धरना किया, जिसमें लोगों का कहना है कि अगर सरकार को लाल किले जैसी ऐतिहासिक धरोहर की परवाह नहीं है तो वो चंदा इकट्ठा करके सरकार को सालाना 5 करोड़ रुपए दे देंगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग करी है। देखिए लाल किला को जिस तरीके से MOU साइन करके डालमिया ग्रुप को दे दिया गया है 5 करोड़ रुपए के अंदर सिर्फ, ये बड़े दुख की बात है। लाल किला ना केवल देश की सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि देश का एक प्रतीक चिन्ह भी है। हमारे करेंसी नोटों के ऊपर लाल किला की फोटो छापी जाती है और लाल किला जैसी जगह को अगर प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाए तो ये सरकार के आर्थिक और मानसिक दिवालियापन की निशानी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सरकार कभी भी अपनी जिम्मेवारी से नहीं हट सकती है जिसके रखरखाव के लिए। अब अगर कोई संसद को, संसद भवन को जहां संसद चलती है, राष्ट्रपति भवन को जहां पे राष्ट्रपति देश के बैठते हैं, लाल किला जहां पे कई हमारी लड़ाइयां स्वतंत्रता संग्राम के लिए यहां से हुई थी, यहां पे तोपें चली थी, यहां के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी थी। अंग्रेजों ने जब 20 सितंबर 1857 को इसको हासिल किया था तो कई हिंदुस्तानियों ने अपनी जानें यहां पर दी थी इसकी रक्षा करते हुए। तो आज अगर जो है इसको प्राइवेट कंपनी को इसको दे दिया जाए तो सरकार अपनी जिम्मेवारी से हट रही है। ये ऐसे प्रतीक चिन्ह जो राष्ट्र के हैं उसको हम लोग ऐसे नहीं होने देंगे। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर एक प्रतीकात्मक तौर के ऊपर हम लोगों ने 5 रुपया कांग्रेस के कार्यकर्ता सब यहाँ पे डब्बों में हम डाल रहे हैं और ये हम इकट्ठा करके प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे कि प्रधानमंत्री जी इससे पैसा इकट्ठा करें, लेकिन 5 करोड़ रुपया डालमिया से ना लें। लोगों के पैसे लोग देने को तैयार हैं इसकी रक्षा करने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए प्राइवेट कंपनीज के हाथ में नहीं देना चाहिए। आपको बता दें डालमिया भारत समूह MOU के तहत लाल किले की देखरेख करेगा और इसके इर्द गिर्द आधारभूत ढांचा तैयार करेगा। 5 वर्ष के दौरान इसमें 25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले की कांग्रेस ने जमकर आलोचना की है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे देश की ऐतिहासिक धरोहर को एक निजी कंपनी को सौंपना पड़ा। लेकिन मोदी सरकार का यही कहना है कि ये अडॉप्ट अ हेरिटेज योजना के तहत फैसला लिया गया है। लोकमत के लिए वकार अहमद और प्रतीक्षा कुकरेती की रिपोर्ट।